इस साल रक्षाबंधन कब मनाया जाए इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वान 30 तारीख को तो कुछ 31 तारीख को सुबह मनाने की सलाह दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 अगस्त की रात्रि 9:01 के बाद राखी बांध सकते हैं या अगले दिन सुबह 7:07 के पहले रक्षाबंधन मना सकते हैं। आखिर हमें यह त्योहार कब मनाना चाहिए, इसको लेकर क्या है ज्योतिष की सटीक जानकारी, आइए जानते हैं सब कुछ एकदम सटीक। परंपरा से कब मनाते हैं रक्षाबंधन? परंपरा से शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त 2023 बुधवार को सुबह 11 बजे से हो रहा है और यह तिथि अगले दिन सुबह 7:07 पर समाप्त हो जाएगी। यानी इस तिथि के बीच रक्षाबंधन मना सकते हैं, परंतु इस बीच भद्रा काल होने से ही यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भद्रा काल कब से कब तक रहेगा? भद्रा काल 30 अगस्त 2023 को भद्रा सुबह 10:58 से होकर रात्रि 9:01 तक रहेगी। भद्रा का निवास धरती पर होने के कारण शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बीच राखी नहीं बांध सकते हैं। रात्रि 9:01 के बाद ही राखी बांध सकते हैं। वहीं 31 तारीख को सुबह 7:07 के पहले, क्योंकि इसके बाद पूर्णिमा तिथि का लोप हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। भद्रा काल में कब बांध सकते हैं राखी? शास्त्रानुसार पूर्वार्ध की भाद्रा दिन में और उत्तरार्ध की भाद्रा रात्रि में त्याज्य होती है। वहीं शास्त्रानुसार भाद्र का मुख भाग ही त्याज्य है, जबकि पुच्छ भाग सभी कार्य में ग्राह्य होता है। पुच्छ भाग यानी भद्रा के अंतिम भाग में शुभ कार्य किया जा सकता है। भद्रा के मुख की 5 घटी अर्थात 2 घंटे की सर्वथा त्याज्य होते हैं। भद्रा के मुख काल की 5 घंटे पश्चात के मान से 30 अगस्त को मध्यान्ह 3:30 से 6:30 के बीच राखी बांध सकते हैं। इसके बाद रात्रि 9:00 के बाद से 31 अगस्त को सुबह 7:00 तक राखी बांध सकते हैं।